कि शुभ घड़ी शुभ दिन मुहूर्त नंद के होता है।
नास्तिक होते हैं और उन्हें सत्संगी बना देना संत का काम होता है। और भगवान वहीं जाता है जहां भक्तों का कष्ट होता है। नागिन है फिर भी वात्सल्य भाव मातृत्व भाव देखिए। नागिन ने कहा महाराज नहीं। बोले क्यों?
बोले आज मैंने मेरे स्वामी की डोर जगत के स्वामी को सौंप दिया, अब भय किस बात।
कारिका चेरु हि विघ्नं कात्यायन अर्चनं व्रतम् गंधे माले सुरभिबाली धूप सुगंध दीपिकै उच्चावश्च पैहारौ प्रवाल फल तंडुलै कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी सुतं देवीं पतिं ते कुरुते नमः इति ह मन्त्रं जपतस्य पूजां चक्रकुमारिका एवं मासव्रतं चोर कुमार्यः कृष्णचेतसा भद्रकाली समानुभूर्य आनन्दौ सुतापति उच्चाय गोते स्वरयो नः योजन्य बाधुबाः हेमंत ऋतु आई है और हेमंत ऋतु में सभी कुमारी कन्याएं माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं। गुप्त नवरात्रि आती है उस समय और उस समय जो कन्याएं पूजा करती हैं वो यही मांगती है, माँ हमें सुंदर घर सुंदर वर दोनों मिले। व्रत उपवास करती हैं नित्य की भांति। सारी सखियां जब तक ये व्रत चलता है ये हमेशा यमुना तट पे जाकर स्नान करते हैं। कन्हैया जी का आगमन होता है। कन्हैया जी ने पहले किया, वो सखियों नहाने जा रहे हो ना तो अपने वस्त्र तो लेके जा। जा करके गोपियों ने स्नान करना शुरू किया। निर्वस्त्र होकर गोपियां जल में स्नान कर रही हैं, जो अनुचित है। गंगा में सरयू में स्नान निर्वस्त्र होकर करना अनुचित है। कन्हैया जी ने चीर चुरा लिया और ब्रज की बालाओं से कहने लगे, जाओ अपना चीर तो उठा लो, अरे यहां कौन है। तब उन्होंने कहा, अरे मूर्खा तुम स्त्री हो और इस जल के अंदर वरुण देवता का नाश होता है, मर्यादा नष्ट होती है, इसलिए गंगा में यमुना में निर्वस्त्र होके स्नान नहीं करना चाहिए, यह ध्यान रखा है। मध्यांतर में गंगा में चरण नहीं रखना चाहिए। स्नान की विधि है कि अगर आप गंगा यमुना में स्नान करने जा रहे हो तो सबसे पहले उसको वंदन करो, मस्तक पे लगाओ, भाव करो, फिर उसमें डुबकी लगाओ। साबुन शैंपू ये सब चीजें नहीं लगानी चाहिए। उसका भाव है गंगे तव दर्शनात मुक्ति। अब एकादशी का समय आया है। एकादशी व्रत करने के बाद स्वयं बाबा नंद स्नान करने चले गए हैं और वरुण देवता के लोग, वरुण के देवत नंद बाबा को पकड़ के ले गए वरुण लोक में। सत्य और मर्यादा इसमें कोई रिश्ते नहीं होते, सत्य सिर्फ सत्य होता है।
वरुण देवता को कह देना चाहिए ना, ये तो भगवान कृष्ण के पिता हैं, गलती हो गई होगी, छोड़ दो। क्यों ले गए फिर वरुण लोग? वरुण के दूत इनको पकड़ करके ले गए हैं। कृष्ण को ज्ञान होता है और कृष्ण अपने पिता को छुड़ाने के लिए वरुण लोक में पहुंचते हैं। वरुण ने प्रश्न किया और जाते ही वरुण देवता ने भगवान की पूजा की, आराधना किया, चरणामृति लगाया। अब थोड़ा पता नहीं लग रहा है, पिता को कैद में रख दिया और पुत्र की पूजा हो रही है ना। तो जब बातें धर्म कर्म की हो तो कर्म वीर क्या कर्म करे। भाव देखिए, वरुण देवना ने साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया और कहने लगे त्राहिमाम गोविंदा, त्राहिमाम गोविंदा, त्राहिमाम। कारण पूछा, बोले प्रभु मर्यादा और योगीश्वर ये दोनों अवतार आपके ही है महाराज। भगवान राम पौरुष है, पुरुषोत्तम है। भगवान राम पौरुष है और पुरुषोत्तम भी। आप योगीश्वर हैं, आप मर्यादा रचाने वाले हैं मेरे प्रभु। पहला कारण आपको पिता को लाने का ये था कि अगर मैं वहां आकर के दर्शन करता तो आपके दर्शन लाभ और उसका फल, उससे मोक्ष, आपके हृदय से स्पंदन, आपकी कृपा की पात्रता सिर्फ मुझे प्राप्त होती। लेकिन इस कृत के कारण, इस के कारण अगर आप मेरे प्रभु वरुण लोक में आ गए तो सारा वरुण लोक धन्य हो गया, क्योंकि श्री हरि के चरण यहां लग गए। कारण कुछ भी हो, दर्शन करना था दयानिधि। अब दूसरा कारण, प्रभु जी आपके पिताजी को जो लाया गया वो सामाजिक मर्यादा। जमुना जी कौन है? तिवारी बाबा जी। जमुना जी कौन है? कन्हैया जी की पटरानी।